In figure ABCD is a square of side 14 centimeters with center A, B, C, and D. Four circles are drawn such that each circle touch externally two of the remaining three circles. Find the area of the shaded देखिए इसमें जो फिगर बना हुआ है कुछ इस तरीके का है, ठीक है। बाकी समझ लेना, कोई से छोटा बड़ा है पता नहीं कैसा बना हुआ है, बन गया है फिगर। यही एक चीज आप सब बनाते रहने। फिर लगभग ठीक A, B, C, D, ठीक है। और आपको जो फाइंड करना है वो ये पोर्शन है, ये ठीक। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेटिंग में काफी लोड है। देखिए ये क्वेश्चन है और ये आपका शेडेड रीजन है। सात सर्कल है जो आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और टच करने पर जो ये पोर्शन बच रहा है, ये इस पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन जो ये सेंटर है, सेंटर से एक 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए इसका शेडेड रीजन का जो एरिया है कैसे फाइंड करेंगे, बोलो सर। एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा कहता हूं कि एक फॉर्मूला बना लीजिए। फॉर्मूला आपका होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, शेडेड रीजन ये है,
इस पर बना हुआ है, स्क्वायर पर। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ फोर सेक्टर्स। ये चार सेक्टर जो है, ये सेक्टर ही है ना। देखिए ये इस पर बना हुआ ये सेक्टर ही है, आप क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है स्क्वायर हमेशा, इसको आप क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। 90 का एंगल ही बनेगा ना। यस सर, ठीक है। तो एरिया ऑफ फोर सेक्टर, पहले आपने चारों जो सेक्टर हैं इनका पहले एरिया निकालेंगे आप, और टोटल एरिया जो आपका ये स्क्वायर है इसके एरिया से आप माइनस कर देंगे, तो आपको ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है इसके अंदर, इसमें सर्कल का ये पार्ट इसके इसमें इंक्लूड है। सेक्टर में जो सेक्टर का आप एरिया फाइंड करेंगे, तो सेक्टर के एरिया में ये आपका सर्कल का ये पोर्शन जो है उसमें मौजूद रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, 14 × 14 इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया फोर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए अब आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर पर बना हुआ एंगल है ये, तो क्या लिखेंगे, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी और ए डी ये सारा कुछ आपका कितना है, 14 सेंटीमीटर का है, तो क्या हो जाएगा, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करिए, तो थीटा आपका 90/360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7 4 772 इज इक्वल टू 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अभी एक का निकला है, एरिया वन सेक्टर निकला है। सिमिलरली एरिया ऑफ फोर सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया फोर सेक्टर क्या हो जाएगा, 4 × 77/2 इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ फोर सेक्टर। फोर एरिया ऑफ स्क्वायर ये निकला हुआ है 196 और एरिया ऑफ फोर सेक्टर आपका ये निकला हुआ है 154, तो माइनस कर दीजिए इसको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कहां लिखे, यहां पर लिख देता हूं, इज इक्वल टू 196 माइनस 154 इज इक्वल टू कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टीप लिया, चलिए समझ में आ गया, ये कोई बोली नहीं yes, यार। Yes, श्रेया के भैया गया।
डायमीटर एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल स्मॉलर सर्कल तो ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड ये आनंद पटेल एक आता है एक जाता है दो बारी क्या हो रहा है इसको आनंद पटेल आनंद यस सर तुम्हारे नाम से कौन यार ये बार बार एंट्री मार रहा है सर पता नहीं सर मोस्ट ऑफ द क्लासेस में हो जाता है सर आज तो इसमें आईडी और इसका जो पासवर्ड दोनों अलग है आज जो मैंने दिया है इसकी आईडी भी अलग है ये तो आईडी आज आपको नहीं मिली होगी इसका मतलब yes, sir, sir, पहली बार है हाँ किसी न किसी ने शेयर किया होगा इसको अपने पैर में तुम लोग स्वयं खिलाड़ी मार रहे हो दूसरे स्कूल के बच्चों को बताओ यार क्या बताओ तुम बच्चों को भी ठीक है जो टीचर जानता है पहचानता है अपने बच्चों को उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है पर जो नहीं पहचानता है कभी कभी मिसमैच हो जाता है सयाना आदमी नहीं इतना ध्यान दे पाता तो उसके लिए तो दिक्कत है ना वो लोग डिस्टर्ब करेंगे क्लास A, B, C, D और ये O, ठीक है और आपको ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है ठीक है अब आप इसमें ये देखिए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे ये एरिया रिलेटेड टू द सर्कल हो और
चाहे जो भी आप आगे पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चाहे क्वेश्चन हो, ऐसे जब भी आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो क्वेश्चन होंगे या एरिया रिलेटेड टू द सर्कल के क्वेश्चन है, सबसे पहले आप ये सोचिए इसमें फॉर्मूला हम कैसा बना सकते हैं या कौन सा लगेगा। कुछ क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, कुछ में आपको बनाना पड़ेगा। तो अब आपको जैसे इसे फाइंड करना है एरिया शेडेड रीजन, तो इसमें सबसे पहले आप बनाइए इसका फार्मूला कि आपको क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, स्टेप बाई स्टेप करते जाएंगे तो बन जाएगा। क्या बनेगा इसमें फार्मूला, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, कोई बता सकता है? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। वेरी गुड, आयुषी बोल रही हो ना? यस सर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल लिख लो, बिग सेमी सर्कल ओ ए ओ ए सी बी ओ ए सी बी माइनस एरिया आप क्या बताया, ट्रायंगल। यस सर, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ स्मॉल स्मॉल। अब देखिए क्वेश्चन में सीधे क्लियर से जो दिया हुआ है शेडेड रीजन का फाइंड करना है, आपने फार्मूला बनाया, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन है एरिया विद सेमी सर्कल, यानी ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें ये डायमीटर है, ए बी इसका डायमीटर है, डायमीटर के इस पोर्शन में आपको ये जो रीजन है शेडेड रीजन इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या करेंगे आप, सेमी सर्कल का पहले एरिया निकाल देंगे, उसमें से आप अगर ये एरिया ट्रायंगल माइनस कर दें तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, क्लियर है। बड़े सेमी सर्कल से एरिया से यदि आप एरिया ये ट्रायंगल इसको यदि आप माइनस कर दें तो आपको ये शेडेड रीजन आपको मिल जाएगा, क्लियर है बात। यस सर। प्लस साथ में आपको क्या फाइंड करना है, ये जो एरिया स्मॉलर सर्कल है क्योंकि ये भी शेडेड है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा, 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ओ बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा। यस यस सर। सिंस ए बी एंड सी डी आर डायमीटर, this implies that AB is equal to 2 into OA is equal to 2 into 7 is equal to 14 centimeter. Similarly, CD is equal to 2 into OC is equal to 2 into 7 is equal to 14 centimeter, ठीक है।
दिस इंप्लाइज दैट ओसी इज इक्वल टू ओडी इज इक्वल टू OA is equal to OB is equal to 770 meters. ब्रैकेट में आप लिखिए आर द लिखिए सर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब आगे आइए, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल. क्या होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ इनटू पाई आर स्क्वायर. पाई, हाफ पाई आर स्क्वायर. हाफ पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका कितना है? 7. ये हो गया 7 × 7. 7 × 7 कैंसिल हुआ, 2 × 11 इज इक्वल टू 77 cm². ठीक है, तो 77 cm आपको क्या मिल गया? एरिया बिग सेमी सर्कल. तो नोट की रेंज देखिए, मेरे पास ब्लेंडिंग भी जाना पड़ेगा, नोट रखिएगा इसको. अब आगे जो फॉर्मूला बना हुआ है, फॉर्मूला निकाल ये पोर्शन बताते हैं. ठीक है, नेक्स्ट में है फ्रीक्वेंसी का रख दो, पांच रख दो, ऊपर नहीं रख दो. क्या देखिए, अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? हाफ बेस इनटू हाइट. फॉर्मूला यही होता है एरिया ट्राइंगल. यस सर, यस सर, यस सर. अब देखिएगा इसको समझिएगा, सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर दिया है. यस सर, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर है. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो OC है AB पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ये OC इस AB पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये जो AB और CD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है. इसका मतलब OC इस AB पर परपेंडिकुलर हो जाएगा. यस सर, दिस इंप्लाइज दैट OC परपेंडिकुलर ऑन AB. ठीक है, नाउ सिंस OC इज इक्वल टू 7 cm एंड AB इज इक्वल टू 14 cm है, आपने निकाला है AB इज द डायमीटर एंड OC इज द रेडियस. AB इज इक्वल टू 14 और OC इज इक्वल टू 7 cm. क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर. चलिए, यस सर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए. So, area of triangle ABC is equal to half AB into height OC. So, 1/2 into AB आपका 14 और ये 7 is equal to 49 cm. ये 49 cm square आपको क्या मिल गया? Area of ट्रायंगल. आपके पास क्या क्या चीज मिल गई? एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, सेमी सर्कल का और ट्रायंगल का, दोनों का मिल गया एरिया. ठीक है, yes, आपको फाइंड करना है एरिया इनर सर्कल, ये जो स्मॉल सर्कल है. तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर ही होगा। यस सर। फिर यस सर, ओडी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, क्वेश्चन में दिया हुआ है ओडी आपका स्मॉल सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू ओडी बाई टू इज इक्वल टू 7/2, और ओडी की वैल्यू आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओडी, ओसी, ओए और ओबी ये सभी रेडियस के बड़े वाले सर्कल का, ओडी आपका बड़े सर्कल का रेडियस है, लेकिन छोटे वाले का क्या है डायमीटर है, तो रेडियस आपका 7/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7 × 7/2 × 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास तीनों चीजें देखिए, ये बड़े वाले सेमी सर्कल का 77 सेंटीमीटर, ट्राइंगल का 49 सेंटीमीटर और इसका 77/2, ठीक है। अब ये वैल्यू इसे पुट करिए इस फॉर्मूले में, अब सिर्फ सॉल्व करना है आपको, कैलकुलेशन करना और कुछ जोड़ बता लेना, बन जाएगा। यस सर। यस, समझ में आ गया है? यस सर। टाइम भी हो गया है बेटा, 4 मिनट बचे हैं, थैंक यू।